हरे ओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मेष राशि या मेष लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं चंद्रमा के परिवर्तन को। समय अब बदल रहा है, कम समय में ज्यादा लाभ यदि लेना है तो चंद्रमा को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसे ग्रह हैं जो कि सबसे कम समय में एक राशि को क्रॉस कर जाते हैं, एक राशि में अपना जो भोग काल है, क्योंकि चंद्रमा का परिवर्तन 2.25 दिन में होता है, बाकी अन्य ग्रहों का परिवर्तन ज्यादा समय में एक राशि में परिवर्तन होता है। इसलिए यदि कम समय में आप ज्यादा लाभ लेना चाहते हैं तो चंद्रमा की स्थिति को समझते हैं। प्रिय दर्शकों, चंद्रमा का ये जो परिवर्तन होने जा रहा है 22 सितंबर को, ये वृषभ राशि में होने जा रहा है। और आप जानते हैं कि वृषभ राशि में देव गुरु बृहस्पति पहले से ही विराजमान है, तो 22, 23 और 24 तारीख को सुबह 10 बजे तक यहां पर गोचर करेंगे वृषभ पर, और उसके बाद फिर मिथुन में चले जाएंगे। तो वृषभ राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा देव गुरु बृहस्पति के साथ युति करेंगे, जिससे बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति बनने जा रही है, जिसे कहा जाता है गज केसरी योग। और साथ में जब चंद्रमा आगे जाएंगे और मिथुन राशि में गोचर करना प्रारंभ करेंगे, तो यहां पर स्थिति क्या बनने वाली है कि यहां पर मंगल है, जिससे लक्ष्मी योग का निर्माण हो जाएगा। तो दो दो राजयोगों का निर्माण हो रहा है 22 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि जब वृषभ राशि में यानी कि 22, 23 और 24 तारीख को सुबह 10 बजे तक चंद्रमा गोचर करेंगे, तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव देखने को मिलने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, ये जो समय है ये आपके जीवन में धन की वृद्धि कराने वाला, आपके जीवन में घर परिवार लोग आपका सहयोग करेंगे। घर परिवार में कोई समस्याएं थी, कलह का माहौल था, वाद विवाद था, वो दूर होने वाला है। आपके जीवन में यदि आपके शत्रु बहुत ज्यादा बन रहे थे, अब वो भी अनुकूल हो जाएंगे। आप देखेंगे कि अचानक इस समय आपको लाभ की स्थिति बनने वाली है, अचानक धन लाभ की स्थिति बनने वाली है। उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा समय है जो लोग पैतृक संपत्ति से संबंधित कोई काम करना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि आप कोई अस्थाई धन प्राप्ति कराने वाला इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी काफी अच्छा समय है। अब जैसे लोग FD करते हैं या और भी ऐसे बहुत सारे, तो उनके सबके लिए बड़ा अच्छा समय है। साथ में देखा जाए तो जो लोग गुप्त धन प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा समय है। साथ में यदि आप कोई अपने जीवन में चीज रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च वर्क करते हैं, तो आपके लिए सफलता का समय रहने वाला है। विदेश में जाके अस्थायी रूप से निवास प्राप्त करने के लिए यह सही समय रहने वाला है। यह जो समय है तो आपके जीवन में कई तरह के बदलाव लाएगा, सुखों में वृद्धि कराने वाला और साथ में दोस्तों का भी सहयोग दिलाने वाला समय रहने वाला है। और आप देखेंगे कि अपने जीवन में यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या कोई भी लग्जरी की चीजें, वो सब चीजें इस समय आप प्राप्त कर सकेंगे। और चंद्रमा फिर आगे बढ़ेंगे तो 24 तारीख को 10 बजे के बाद 25 और 26 तारीख को शाम तक ये गोचर करेंगे मिथुन पर। 6 बजे तक आप पकड़ के चले, 5:00 कुछ मिनट पे है, तो हम 6 बजे पकड़ के चलते हैं, क्योंकि हरेक प्रदेश में समय का अंतर होता है सूर्योदय का, तो 6 बजे तक शाम को हम पकड़ के चलते हैं। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो आपके जीवन में इस समय यानी कि 24, 25, 26 तारीख को आप एक एनर्जी महसूस कर सकेंगे, आपके अंदर अपने काम को लेके लगाव बढ़ेगा। और जब हम पूरे मन से अपने काम को करते हैं तो हमें सफलताएं भी प्राप्त होती हैं। आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कोई आप महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रहे हैं, कोई आप
परीक्षा में है, प्रतियोगिता में है, खेल कूद के क्षेत्र में है, तो यहाँ पर आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। अब जैसे सेना के लिए तैयारी कर रहे हैं या ऐसे बहुत सारे क्षेत्र, तो आपको यहाँ पर सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं। साथ में देखा जाए तो ये समय होगा जिसमें आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे, आपको भाग्य का साथ मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, आपके पिता का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। और यदि माता पिता के बीच में अनबन की स्थिति थी आपके आपके और माता पिता के बीच में, तो ये अनबन की स्थिति दूर होगी। और साथ में आप देखेंगे कि इस समय धर्म के प्रति रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्रा करने का मौका मिल सकता है। और आप अपने जीवन में ये भी देखेंगे कि यदि आपके छोटे भाई बंधु हैं उनके साथ यदि कहीं ना कहीं कोई बात विवाद था, तो अब वो दूर होके उनका भी सहयोग मिलने वाला है। तो देखा जाए तो ये समय काफी बेहतर है। बस इस बात का ध्यान रखना है कि 24, 25, 26 को आपको जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि मंगल का जो मूल प्रभाव है वो दिखता है। और मंगल इस समय आप जानते हैं कि मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि इनके शत्रु की राशि है। इसलिए आपको मेहनत लगातार करते रहना है और धैर्य के साथ, सूझबूझ के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना है। प्रिय दर्शकों, उपाय की बात की जाए तो उपाय के रूप में भोलेनाथ की आराधना करें, वो सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। कोई महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं तो पहले अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कर लें, इसके बाद निर्णय लें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।